Hey everyone, welcome back. ये वांगक्षियान फैनफिक्शन है, मिस्टर बॉडीगार्ड ये उसका पार्ट टू है. सॉरी इतना लेट करने के लिए, लेकिन सच में मेरी तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और अब भी हेल्थ इश्यूज़ हैं. बट अब मैं थोड़ा ठीक हूँ. और जिस टाइम पे तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे फैमिली वाले भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कुछ करो, चाहे वो वीडियो से बनाना क्यों ना हो. ओके, लेकिन अब आप कमेंट में प्लीज़ मेरी हेल्थ के बारे में मत पूछना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत अजीब लगता है. मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, लेकिन इतना लंबा बीमार तो मैं अब हुई हूँ, जिसमें मेरी पढ़ाई भी, मेरी सारी चीज़ें लगभग ना कहीं समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है. तो ये क्वेश्चन मत पूछना, अब आपकी हेल्थ कैसी है या ये कि आपको क्या हुआ है. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. हम लोग यहाँ पर वीन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में था और उसको कोल्ड हो रहा था, लेकिन कोल्ड से भी ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो रहा था, जिसका रीज़न था वांगक्षी. वीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह वांगक्षी का क्या ही करे. उसे वांगक्षी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वह उसका मर्डर ही कर दी. और आज तो वैसे भी उसे डबल डिटेंशन मिला था और साथ में असाइनमेंट दोबारा कॉपी करने की सज़ा मिली थी, और इन सब का जिम्मेदार वीन वांगक्षी को मान रहा था, जिसकी वजह से ना तो वह कुछ कर पा रहा था, उसकी फ्रीडम और छिन गई, जिनसे वह आराम से शरारतें करता था. वीन का मूड तो सुबह क्लास के दौरान ही ख़राब हो चुका था, जब वह देखता है कि वांगक्षी का पूरा फोकस तो टीचर की बातों पर है और वीन वांगक्षी को देख रहा था. वीन सोचता है क्या वांगक्षी को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. माना कि यहाँ पर वह एक स्टूडेंट की तरह आया है, लेकिन है तो वो वीन का बॉडीगार्ड ही, तो वीन पर फोकस करना उसका काम है. लेकिन वह तो इधर एक बार भी नहीं देख रहा. वीन सिर्फ वांगक्षी को देख रहा था, और उसके बाद वह देखता है पीछे कुछ बच्चों को जो कि वांगक्षी को देख रहे थे. वीन ये देख कर आँखें घुमाता है कि कभी नहीं सुधर सकते, कभी ये मुझे देखते हहैं और आज उसे देख रहे हैं. न्यू सेंग हल्का सा वीन के शोल्डर पर हिट करता है. वीन बोलता है क्या? न्यू सेंग बोलता है ये तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, उसे इतने ध्यान से देखना बंद करो वरना सबको लगेगा कि तुम्हें उससे प्यार हो चुका है. वीन बोलता है अपनी बकवास बंद करो. न्यू सेंग बोलता है हाँ तो थोड़ा सा फोकस टीचर पर भी कर लो, ना कि सारा फोकस अपने बॉयफ्रेंड पर ही करोगे. वीन बोलता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. न्यू सेंग बोलता है हाँ हाँ जो भी है. तभी वहाँ पर टीचर की आवाज़ आती है. टीचर बोलती है तुम दोनों का पढ़ने का काम नहीं है ना, अब भी बातों में लग रहे हो, उठो और क्लास से बाहर जाकर खड़े हो जाओ. वीन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन टीचर उनकी नहीं सुनती, और इसके बाद वीन और नी हुसैन दोनों को ही क्लास से बाहर जाना पड़ता है. जाने से पहले वीन नी हुसैन को देखता है और इसके बाद वांगक्षी को. उसका मूड ख़राब रहता है. वांगक्षी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा था. ये सही है कि वह टीचर की तरफ ध्यान दे रहा था, लेकिन उसका फोकस वीन पर ही था, और उसे पता था कि वीन उसे देख रहा है. डेफिनेटली वह वीन का बॉडीगार्ड है, तो उस पर फोकस तो रखेगा ही ना. इसके बाद बारी आती है उनकी स्पेनिश लैब की. वीन अपनी एक ईवल स्माइल के साथ बैठा था. नीहू सेंग और शुयंग जानते थे कि ज़रूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है. स्पेनिश लैब में उनके टीचर प्रोजेक्टर पर कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह जब भी पासवर्ड डालकर लॉगिन करना चाहती वह लॉगिन नहीं होता, बल्कि एक अलर्ट साउंड आती द प्रिंस ऑफ एग मार्क इज़ नॉट अलाउिंग इट द प्रिंस ऑफ एग मार्क इज़ नॉट अलाउिंग इट, जिससे कि टीचर का दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है. कुछ टाइम पहले उनके टीचर्स ने जॉन केक्स की एक पोएम को ड्रामा वे में प्रेजेंट करने के लिए कहा था, जिसके दौरान वीन को टीचर का पासवर्ड पता चल गया था और उसने पासवर्ड ही चेंज कर दिया, जिससे कि उनके टीचर तब भी लॉगिन करना चाह रही थी तब ही आ रहा था सॉरी द प्रिंस ऑफ एग मार्क इज़ नॉट अलाउिंग इट. और सारे बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर के मानो इंसेन हो रहे थे, और साथ में वीन के विसल साउंड को भी आराम से बजा सकता था, और वीन पीछे बैठकर ऐसा ही कर रहा था, जिसकी वजह से उनके टीचर विंडो को क्लोज़ करा देती है. पहला लॉगिन ना हो पाना और दूसरा ये साउंड जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, जिससे कि टीचर बिल्कुल इंसेन हो रही थी. लेकिन तभी कोई पीछे से वीन के कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से एकदम वीन डर की वजह से एकदम से चिल्लाता है ओह, और सभी का ध्यान वीन की तरफ हो जाता है. और इसके बाद टीचर नोटिस करती है कि वीन की विसल साउंड तो अब आ ही नहीं रही. टीचर वीन की तरफ देखते हैं तो ये सब तुमने कर रहा है? वीन बोलता है नो. टीचर बोलती है झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि जिस क्लास में तुम हो तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो,
ये पासवर्ड भी तुमने ही चेंज करो होगा। अरविंद कुछ कह पाता, टीचर उसकी तरफ गुस्से में देखते हैं और उसे डिटेंशन की सज़ा मिल जाती है। और वह वांगजी की तरफ देखता है कि अगर ये एकदम से पीछे ना आता और मुझे ना डराता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद फीन वांगजी को पूरी तरह से अवॉइड कर रहा था कि मानो कि वह कहीं चाहता है कि वांगजी उसकी नज़रों से गायब हो जाए या वह वांगजी की नज़रों से गायब हो जाए। जिससे बचते हुए वह सीधा लाइब्रेरी भी चला जाता है कि वह वांगजी की नज़रों में ना आए। डेफिनेटली फीन को कोई लाइब्रेरी में तो बिल्कुल नहीं ढूंढेगा। लेकिन उससे बचते हुए फीन एकदम से किसी चीज़ से टकराता है और वहाँ से बहुत सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। फीन बोलता है अब ये सब, और उसे वो सारी किताबें दोबारा लगानी पड़ती हैं। इसके बाद विंग नेहो सेंग और शुयंग के साथ होता है। शुयंग बोलता है वैसे तुम्हारा बॉडीगार्ड है का, और विंग उसकी तरफ गुस्से में देखता है। शुयंग बोलता है वैसे आज तुम्हारा दिन ख़राब है। विंग कोई आंसर नहीं करता और दूसरी तरफ मुड़ता है। तभी एकदम से कोई उसके मुँह पर आइसक्रीम को स्मैश कर देता है। विंग देखता है तो यह और कोई नहीं बल्कि वांगशी होता है, और उसका दिमाग और ज़्यादा गर्म हो जाता है। आइसक्रीम विंग के फेस पर भी लग गई थी और साथ में कुछ उसके बालों में भी, और बाकी सब लोग हैरानी से इस चीज़ को देख रहे थे। न्यू सेंग बोलता है हे उसने जानबूझकर नहीं, लेकिन विंग कोई बात नहीं सुनता। विंग वांगशी की तरफ देखता है और वहाँ से एकदम से भाग जाता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। इसके बाद विंग जाकर अपने फेस को वॉश करता है और वह देखता है कि वांगशी उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वांगजी उसे रोकना चाहता था लेकिन वह उसके हाथ को पीछे झटक देता है। इसके बाद विंग आगे आगे और वांगजी बिना कुछ कहे उसके पीछे, उसे कुछ बोलने के लिए लेकिन विंग को सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। इसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है उसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन विंग सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वह दोनों एकदम से नीचे फ्लोर पर गिर जाते हैं। और वांगजी विंग के ऊपर था और विंग फ्लोर पर था, लेकिन जैसे ही उसका सर टकराने वाला था वांगशी अपने हाथ को विंग के सर के पीछे लगा लेता है। इन दोनों के फेस काफ़ी पास थे। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता और विंग थोड़ा सा सरप्राइज था कि उसे समझ ही नहीं आता। जो स्टूडेंट वहाँ से निकल कर जा रहे थे उनमें से कुछ वहीं पर रुक जाते हैं। तभी एकदम से एक लड़की बोलती है हाउ क्यूट, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो क्या? और विंग और वांगशी का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है। दूसरी बोलती है लेकिन ये दोनों क्यूट लग रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, हैंडसम भी और क्यूट भी। उनमें से एक लड़की चेयरफुल स्माइल के साथ बोलती है तुम दोनों सही में डेट कर रहे हो। तभी एकदम से विंग वांगशी को अपने ऊपर से हटाता है। विंग वहाँ से भागता है और सोचता है यार इन लड़कियों को बीएल मांगा रीड करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, दिमाग कहाँ चलते हैं इनकी। और वो इन सब से बचने के चक्कर में एकदम से वॉशरूम में चला जाता है और जाकर वो ध्यान देता है कि वो गलती से गर्ल्स वॉशरूम में आ गया है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ विंग को देखकर हैरान थी। विंग जल्दी से बाहर आता है और बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील कर रहा था। कुछ लोग विंग को नेगेटिव वे में भी देख रहे थे, और अब विंग बिल्कुल ही वांगजी से किलस जाता है। अब विंग खुद को शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए पार्क में चला जाता है कि मानो आज उसका दिन ही ख़राब हो, और वो वहाँ पर इधर से उधर घूमने लगता है और कुछ ना कुछ बोल रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा था। उसे बस इतना पता था इन सब का जिम्मेदार वांगजी है। थोड़ी देर विंग वहाँ पर एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठ जाता है और उसे नींद भी आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है। विंग अपनी आँखें खोलता है, उसे लगता है कि शायद वहाँ पर वांगजी ही होगा। विंग अपनी आँखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। विंग उसे पहचानता था लेकिन वह इधर उधर देखने लगता है कि इतनी देर हो गई और वांगजी ने उसे अब तक आकर डिस्टर्ब नहीं करा, ऐसा कैसे हो गया। विंग उसे देख कर खड़ा हो जाता है। वह लड़की दूसरे सेक्शन से थी लेकिन कभी कभी सेक्शन मर्ज हो जाने पर विंग और वह दोनों एक साथ क्लास लेते थे। वह लड़की विंग की तरफ देखती है तो तुमने कुछ सोचा? विंग उसे कोई आंसर नहीं करता भी। वह लड़की विंग की तरफ बोलती है मैंने इतनी बार कन्फेस कर दिया और मैं आज फिर से कन्फेस करती हूँ, बताओ ना आई लव यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग कुछ सोच रहा था कि हालांकि इस लड़की में कोई बुराई नहीं है और विंग को भी ये अच्छी ही लगती है, लेकिन शायद विंग उसे उस वे में पसंद नहीं करता। विंग सोचता है जब इसमें कोई कमी नहीं है, उसे नहीं पता कि उसे ये फिर भी क्यों पसंद नहीं है या वो क्यों रेडी नहीं है।
भींग सोच ही रहा था कि तभी एकदम से उसके सामने वांगशी आ जाता है, जो कि ऊपर पेड़ पर से नीचे कूद पड़ता है। उसे देखकर भींग एकदम से डर जाता है। भींग वांगशी की तरफ दिखता है, कोई पिशाच हो क्या? भूत हो, प्रेत हो, कहीं से भी आ जाते हो और कहीं को भी चले जाते हो, क्या है ये सब? बंदर हो या इंसान? तभी वहाँ पर उस लड़की की आवाज़ आती है, ये तो शायद तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना? वांगशी और भींग दोनों उसकी तरफ देखते हैं और भींग कोई आंसर नहीं करता। वह लड़की बोलते हैं, हाँ वैसे सब इसकी बातें कर रहे थे। फिर वह भींग की तरफ देखती है, अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? भींग कुछ सोचता है और वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में ही वह देखता है कि वांगशी उसे अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जल्दी से ले जाने लगता है। भींग बोलता है, हे क्या हो गया तुम्हें? भींग बोलता है, उतारो मुझे। लेकिन वांगशी उसकी एक भी नहीं सुनता। भींग सोचता है, ये पागल हो गया है क्या? भींग बोलता है, उतारो मुझे, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सब लोग उन्हें देख रहे थे लेकिन वांगशी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भींग ये सब देखता है और वह और ज़्यादा इरीटेट फील कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वांगशी के दिमाग में चल क्या रहा है। और वांगशी उसे अंदर ले जाकर स्टाफ रूम के बाहर उतारता है। उतारने के बाद भींग वांगशी को देखता है, उसे पीछे की तरफ पुश करते हैं, दिमाग में क्या चल रहा था तुम्हारे, पागल हो क्या? लेकिन वांगशी कुछ नहीं बोलता और उसके एक्सप्रेशन भींग को समझ में भी नहीं आते। भींग का दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा था, सुबह से आज एक के बाद एक उसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा था। भींग वांगशी को फिर से पीछे की तरफ पुश करता है और उससे पूछता, बोलो भी। तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं, तुम दोनों लड़ रहे हो और वो भी यहाँ पर? भींग और वांगशी इन दोनों की तरफ देखते हैं। भींग को लगता है कि कहीं अब फिर से कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, इसलिए वो एकदम से टीचर की तरफ बोलता है, नहीं हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम तो प्यार कर रहे हैं। टीचर उन दोनों की तरफ देखते हैं, क्या? भींग बोलता है, आई मीन हम दोनों बात कर रहे हैं। टीचर बोलते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर, ध्यान से तो देखो तुम लोग हो कहाँ। भींग बोलता है, सॉरी सर, आपको ऐसा लगा, हम सच में बात कर रहे थे। और वह वांगशी की तरफ देखता है ना? वांगशी हल्का सा हाँ में सर हिलाता है। भींग को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उसे लगा था कि अब यह फिर से कुछ नहीं बोलेगा। टीचर बोलते हैं, ठीक है लेकिन अगर तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है तो ऐसे फालतू मत घूमो, इधर आओ और मेरी हेल्प करो। भींग सोचता है, अब ये सब। उनके टीचर उन दोनों को कुछ बॉक्सेस देते हैं कि ये सब तुम लोग स्टोर रूम में रख कर आओ। और रास्ते में जाते वक्त पूरे टाइम भींग कंप्लेन कर रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह किलस रहा था, इरिटेट फील कर रहा था और वह बोले जा रहा था। वांगशी बस आराम से भींग के बातें सुनता हुआ जा रहा था। भींग को लगता है कि मानो वांगशी को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। भींग और वांगशी दोनों ही स्टोर रूम में जाकर उन बॉक्सेस को रख देते हैं। वांगशी पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। भींग अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी कमर टूट गई। तभी भींग के ऊपर एकदम से छिपकली आके गिर जाती है और भींग एकदम से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने वाला होता है कि एकदम से वह वांगशी के साथ टकराता है और वांगशी के ऊपर ही गिर जाता है और गिरते वक्त भींग के एल्बो पर लग जाती है। भींग एकदम से करता है, औच। जब वो दोनों खड़े हो जाते हैं, वांगशी भींग का हाथ पकड़ते है चेक करने के लिए कि कहाँ लगा, लेकिन भींग अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। लेकिन वांगशी उसका हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। भींग वांगशी की तरफ देखता है, क्या अब और क्या चाहते हो? लेकिन वांगशी भींग को अपनी तरफ ही खींच लेता है, जिससे भींग वांगशी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। भींग बोलता है, क्या है ये सब, छोड़ो मुझे। तभी स्टोर रूम में वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं, इन दोनों को इतने पास देख कर खींचा देखते हैं, ये सब क्या है, क्या रोमांस चल रहा है? भींग टीचर की तरफ देखते हैं, सर नहीं। उनके टीचर बोलते हैं, क्या है ये सब? भींग बोलते हैं, सर रोमांस ऐसे नहीं होता, रोमांस ऐसे होता है। और ये बोलकर वह वांगशी के होठों पर स्लाइटली किस कर देता है, जिससे वांगशी की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं और टीचर की भी। टीचर गुस्सा हो जाते हैं, शर्म करो। इसके बाद भींग और वांगशी दोनों डीन के सामने होते हैं। उनके डीन बोलते हैं, क्या क्या खबर आ रही है तुम्हारी? भींग तुम कब शरारतें करना बंद करोगे? तुम्हारे फादर को तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। भींग बोलता है, लेकिन सर हम दोनों रोमांस नहीं कर रहे थे। डीन बोलते हैं, लेकिन किस? भींग बोलते हैं, वो किस नहीं थी सर, वो तो बस मैंने स्लाइटली पैक करा था ऐसे। और ये बोलकर वह वांगशी के होठ पर फिर से स्लाइटली किस कर देता है। डीन अपने सर में हाथ मारते हैं और भींग की तरफ गुस्से में देखते हैं, डिटेंशन मिलेगा। भींग और वांगशी दोनों डिटेंशन रूम में होते हैं
और अवीन का डिटेंशन डबल हो चुका था। मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था और वांगची आराम से काम फेस के साथ बैठा था और इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था वींग के फेस बनाने को। वींग वांगची की तरफ देखता है, इतने रिलैक्स और काम होकर बैठा है। वींग वांगची की तरफ जाता है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वैसे वांगची अपनी आईब्रो ऊपर करता है। वींग बोलता है, हाँ सुबह से तुम्हारी वजह से हो रहा है। वांगची बोलता है, रियली? वींग बोलता है, हाँ। वांगची अपनी चेयर पर से उठ जाता है और धीरे धीरे वींग की तरफ बढ़ता है। वींग पीछे जाता है, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांगची कुछ नहीं बोलता और वींग थोड़ा नर्वस फील करकर वहाँ से भागने वाला होता है कि वांगची वींग का हाथ पकड़कर उसे दीवार पर पिन कर देता है और उसे अपने और दीवार के बीच कैच कर लेता है। वींग बोलते हैं, ये सब? वांगची बोलते हैं, तब तो कोई डेयरिंग होकर किस कर रहा था। वींग बोलते हैं, वो किस नहीं थी? वांगची बोलते हैं, अच्छा? वींग थोड़ा नर्वस होता है, वहाँ से निकलना चाहता था। हाँ, वांगची एक स्मर्क के साथ बोलते हैं, तो फिर मेरी तरफ देखो। वींग बोलते हैं, हटो यहाँ से। लेकिन उसके बाद वांगची ना तो वींग को वहाँ से कहीं जाने देता है और अपने होंठों से वींग के होंठों को सील कर देता है और उसे किस करने लगता है। वींग हैरान तो होता है लेकिन वह भी इस चीज़ को रेसिस्ट नहीं कर पाता और ख़ुद भी वह वांगची को किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी रूम का दरवाज़ा एकदम से खुलता है और अंदर डीन आकर एकदम से चिल्लाते हैं, ये सब क्या है? वांगची और वींग दोनों अलग होते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। अब तो वींग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। डीन उन दोनों की तरफ गुस्से में देखते हैं। वींग, तुम कभी नहीं सुधर सकते, और वह वांगची की तरफ देखते हैं, और तुम भी, तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है? यहाँ पर तुम्हें समझाने आया था कि बार बार हम तुम्हारी पनिशमेंट को इस तरह ओवर नहीं कर सकते या तुम्हें बार बार नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम तो, वींग बोलता है, लेकिन सर, वो बोलते हैं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना और साथ में तुम्हें तुम्हारा असाइनमेंट कॉपी करने की भी सज़ा दी जाती है। वींग बोलता है, लेकिन, लेकिन उसके बाद डीन बिना कुछ सुने बिना ही वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें उनका डिटेंशन पूरा करना होता है और रूम में एक टीचर भेज दिए जाते हैं इन पर नज़र रखने के लिए। और कॉलेज से आते वक्त बारिश हो रही थी और वींग बारिश में भीगना चाहता था, हालांकि वांगची ने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी भीग गया। और आकर जब वह नहाने लगा तो वाटर हीटर ख़राब हो चुका था और आधे घंटे तक वह उन चीज़ों में उलझता रहा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसे ठंडे पानी में नहाना पड़ा जिसकी वजह से अब उसे कोल्ड हो चुका था। वींग सोचता है, क्या बेहतरीन दिन था मेरा, किसी और का भी ऐसे जाता है? वींग अब रूम में अकेला था और वांगची शायद बाहर था, लेकिन सच में उसे वांगची के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी किस्मत के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं क्या सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।